होने के बाद उनकी आत्मा को काम का आराम तक का कर चुप हो जा चुप हो जा कैमरा साफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारा गाना जेथ म्यूजिक पे आ चुका है और यहाँ पे प्ले करके हम लोग देख रहे हैं। सारे लोग बैठे हैं, आइए दिखाते हैं कौन कौन। हम लोग रात से लेके अभी तक हम लोग 20 बार देखे 20 बार देखे होंगे और कम से कम 40 बार सुने होंगे गाने को, क्योंकि यहाँ पे राधा है और बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है राधा। और देखिए यहाँ पे बाबू है, नन्हा सा कलाकार बाबू यही है यहाँ पे, और वो बाबू यहाँ पे है बैठा है। देखिए इसकी मौसी लगी रो, और इसको आभास हो गया दोस्तों, जब मैं रो रही थी ना तब नहीं कुछ किया, जब देखा कि बाला मुझे पकड़ने के लिए रो रही है तब ये चिल्ला के रोने लगा। इसका भी फुटेज आया है रोने वाला, देखिएगा। अभी राज को हम खिला रहे थे, वही सब फुटेज लगा है। बहुत अच्छा गाना कसम से, अगर आप उसे एक बार देख लेंगे ना तो कसम से आपको, जैसे आपने उस वाले वीडियो में कितने लोगों ने बोला दीदी हम आपका वीडियो देख के रो दिए, गाना सुन के रोना आ गया, उसी तरीके से इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपका आत्मा आत्मा रो देगा। दिल से देखेंगे तो देख भी नहीं पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे, अगर दिल से देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। और ये उन माँ और उन बच्चों के लिए है जिनकी माँ नहीं है और जिन बच्चों की माताएं नहीं है और जिन माताओं के बच्चे नहीं है, वो लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे ना तो कसम से हकीकत कह रहे हैं कि आप लोग दिल से रो देंगे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और देखिए मरने के बाद कहते हैं ना जीते जी तो माँ बच्चों का कितना केयर करती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, लेकिन मरने के बाद भी अगर कोई इतना केयर करता है तो सिर्फ माँ होती है। और ये गाना किसने गाया है? ये गाना गाई है पूजा जी, पूजा दीदी, और बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाते हैं। और बस तत्काल में आया गाना तो तत्काल में हम लोग को करना पड़ा, बस यही हम लोग का काम है और यही हम लोग की जिंदगी है, जो चीज होता है तत्काल में करना पड़ता है। तो दोस्तों इस गाने को शेयर जरूर करना है, क्यों राधा?